हेमंत, आप लंबे समय से जनसुनवाई को कवर कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचते हैं आप, और लोगों के आरोप सीधे सीधे हैं, जनसुनवाई में उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जनसुनवाई को बंद कर देना चाहिए? जी नहीं, ऐसा तो नहीं। प्रत्येक जिले की संरक्षण का और सुरक्षा का जो दायित्व रहता है वो प्रशासन का रहता है, प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों का रहता है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा सिस्टम में परेशानियां रहती हैं, उनका नाम बदनाम होता है। वो यहाँ तक कहना सही नहीं है कि पूरी संस्था या पूरा सिस्टम, इसके बीच में पहुंच के हमको उनकी समस्या देखनी पड़ती है कि कहाँ पे किस कड़ी की कमजोर कड़ी की वजह से पूरी की ट्रेन खराब हो रही है, जिसके लिए ये जनसुनवाई प्रत्येक जिले में लगाई जाती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और जिस तरीके से ये आए हुए हैं बड़े दूर दूर से, हम इनसे बात करके देखते हैं। बच्चे भी हुए हैं ना इसके, तो आज हुआ तो सुबह बच्चा ले जाते, इसको पागल बनाया। तो यहाँ पे कोई सरकारी पुलिस का अधिकारी नहीं करी, मैंने इसकी वजह से नहीं करी, वो है ना ना। चलो यहाँ पे आके आपको ऐसा लगता है कि आपकी सुनवाई होगी, आपको न्याय मिलेगा? हम सब यही चाह रहे हैं कि बच्ची को आई हो, तो मैं अकेली हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, देखा जैसे हमने कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति एक आस में आता है कि प्रशासन उसकी सुनेगा, अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है जिसकी वजह से उससे कार्रवाई नहीं हो रही, तो एक आम इंसान के पास एक उम्मीद होती है कि नहीं, उच्च अधिकारी उसकी बात सुनेगा और उसकी कुछ बात सुनेगा। यहाँ पे हमारे पास एक फरियादी और है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका नाम हुआ? हमारा नाम है अंकुर सीधा, जहांगीर कटरे की रहने वाली हूँ, ग्वालियर की। एक बच्चे मैंने हो गए मुझे इधर आते आते हुए, आवेदन लगाती हूँ और अब से आपसे कुछ सुनवाई नहीं होती। मेरे आदमी को ले जाते मार डाला है, मोटी दिल पुरानी शाम। तो आपने अपने संबंधित थाना क्षेत्र में? हाँ, उधर नहीं लगता, मोती झील लगता है थाना। मैं तो किला गेट की रहने वाली हूँ, जहांगीर कटरा की। तो आप अभी तक कितनी बार पुलिस स्टेशन जा चुकी हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी हैं? 3 महीने से बराबर आ रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं, मुझे इंसाफ ही नहीं मिलती यार। जब पे आती हूँ हर हफ्ते और चली जाती हूँ आवेदन देके। तो आप यहाँ पे, आप ये जन सुनवाई एसएसपी ऑफिस, ये सबसे पूरे जिले से बात हो गई है, मैडम से भी बात होती है, सबसे होती है बात, पर लेकिन इंसाफ नहीं होता मेरा। तो आप क्या, किस तरह का इंसाफ चाहती है सुनवाई आपको? चाहती हूँ इंसाफ, चाहती हूँ। मेरे आदमी की हत्या करके मारा गया है, उनको भी आप मिले दंड। तो मतलब ये पुलिस के लोगों के मिली भगत के कारण कार्रवाई नहीं? पता नहीं, जब पुलिस वाले जाने वो जाने ऐसा ऐसा खा लिया है, या पुलिस वालों ने, या कुछ उनकी नहीं सुन रहा। तो अभी आपका परिवार कैसे चल रहा है और किस तरह से चल रहा है? बीड़ी बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, बच्चे पालती हूँ, 4 बच्चे हैं मुझ पे, तो लड़की है, बड़ी बड़ी लड़के छोटे हैं, मैं जब उनका पेट भरूँ तो मैं हर हफ्ते किराया खर्चा इधर करके आऊँ, इतनी दूर रहता है जंगल कट रहा। साफ तौर पर है कि सिर्फ जरा सी लापरवाही, ऐसी व्यक्तिगत फायदे करने के चक्कर में इंसान का जीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और लगातार समस्या बनी रहती है। यहाँ पे समस्याओं की कमी नहीं है। यहाँ पे एक फरियादी और हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, अब बताइए क्या परेशानी है आप? मेरे तो दो बच्चे बंद करवा दिए और मारन की धमकी देता है, मेरी मोड़ी को रात में इज्जत से बेइज्जत करता है, तुम्हारी मोड़ी को मेरे घर में सब लूटमार करती है। कौन है, कहाँ का मामला पूरा बताइए? गोलपाड़िया सरकारी स्कूल, सावन वाली गली में चक्कर लगा रही, थाने में कोई सुनवाई नहीं। कौन सा? गोलपाड़िया थाने के अंदर? अगर जनागन थाना है। तो आप कितनी बार शिकायत दर्ज करा चुकी हैं? मैं कम से कम 1 महीना से फिर रही हूँ। कौन है आरोपी, कहाँ रहता है और किस तरह परेशान करता है? बजरंग दल में नरेश कुशवाहा है, उसका बेटा दिनेश कुशवाहा आएगा, बहुत परेशान कर लिया, मेरे बच्चे दोनों जेल में हैं। तो अभी आप यहाँ पर आए हुए कहाँ पर, पहली बार आए हैं कि आप कितनी बार? नहीं, हमें एक दफे और लगा गए, कोई सुनवाई नहीं भाई। तो मैं कैंसर के मरीज हूँ, मेरे आंचल में कैंसर है, चक्कर लगा। पीड़ित बच्ची कहाँ है जिसको परेशान करना है? घर पे है जी, घर पे। देखा आपने जैसे कि क्या वजह है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्या ऐसी कमियां आ रही हैं जिसकी वजह से जन सुनवाई में लगातार भीड़ बनी रहती है? ये बहुत बड़ा एक तरीके से सवाल उठता है कि लगातार जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको कि लगातार यहाँ पे परेशानियां हैं और यहाँ पे लगातार लोगों का आना जाना बना रह रहा है, क्या समस्या है आपको जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आना पड़ा इतनी दूर? किस चीज का आवेदन? वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आपके थाना क्षेत्र में भी पुलिस है और आप यहाँ पे एसपी ऑफिस आए हैं, तो क्या समस्या है आप बताइए जरा।
बताओ समस्या बताओ आपको। ससुराल वाले परेशान करते हैं, यहाँ पे भी अधिकारियों को बताओगे ना आप, यहाँ पे भी बताओ, यहाँ पे भी अधिकारी देख रहे हैं, क्या समस्या आती बताइए। कैसे निकाल दी, तो कोई मांग कर रहे हैं या फिर कोई किस वजह से मारते पीटते? ठीक ठीक ठीक, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे घरेलू प्रकरण थोड़े ज्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे मुख्यतः घरेलू प्रकरणों की वजह से ही लोगों को ज्यादा समस्याएं रहती हैं, बाकी समस्याएं भी लगातार बनी रह रही हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे लगातार जनसुनवाई में इनका आना जाना बना रह रहा है। प्रत्येक हर हफ्ते जनसुनवाई हो रही है और जनसुनवाई के अंदर लोग आ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम में जो कमी है वो बनी है और इस कमी को दूर करने में प्रशासन कहीं ना कहीं अछूता रहा बचा है।